Hello everyone, I am Abhita Chauhan, the PR manager in TenVestInCity.com is here to welcome you all again in our YouTube channel. आज मैं आपको एक प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करूंगी, जिस प्लेटफॉर्म को आप यूज करने के बाद आप आपकी खुद की पर्सनल वेबसाइट पर ईजिली ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। अब ये प्लेटफॉर्म क्या है और ये किस तरीके से बिजनेस को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, स्पेशली जो नए नए स्टार्टअप्स हैं उनको किस तरीके से ये ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, तो आज हम जानना चाहेंगे। आज हम आपको बताना चाहेंगे 10khit.com, वॉट इज 10khit.com एंड हाउ दिस वेबसाइट हैज द यूजर टू गेन द ट्रैफिक ऑन इट्स पर्टिकुलर वेबसाइट। सो लेट्स स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन। सो आई एम अभिता चौहान, द 10vestincity, इन 10vestincity द पीआर मैनेजर। मेरा मोटिव रहता है कि मैं अपने वीडियो को जो देख रहे हैं मैं अपनी ऑडियंस को बता सकूं कि किस तरीके से मार्केट में क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं, जिससे आप अपनी जो भी नए नए स्टार्टअप्स आप सोच रहे हैं या फिर आप नए नए जो वेबसाइट आप डेवलप करना चाह रहे हैं उसको ईजिली किस तरीके से ऑडियंस तक या फिर यूज़र तक पहुँचा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 10khit मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने शायद सुना भी होगा या फिर नहीं भी सुना होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 10khit इज नथिंग, बस एक प्लेटफॉर्म है जो यूज़र को प्रोवाइड करता है अपने ईजली अपना ट्रैफिक गेन करने में। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा क्रोम पे जाना है, 10khit.com को सर्च करना है, वहाँ पे अपने आपको रजिस्टर करना है और कुछ एक दो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसको फॉलो करने के बाद आप ईजली 10khit.com पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आप ईजली अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक गेन करने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं ना कि किस तरीके से आज की डेट में मार्केट में किस तरीके के टूल्स अवेलेबल हैं, जिसको एज अ यूज़र मुझे भी नहीं पता है कि ये टूल्स मार्केट में अवेलेबल है। मुझे खुद 2 दिन पहले ये टूल के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ, तो आप जान सकते हैं कि ऐसे हज़ारों टूल्स अवेलेबल है जो इवन यूज़र अननोन है। इवन 10khit.com इस इलीगल नहीं है, वो इलीगल ही अपना काम कर रहा है, वो यूज़र को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपना ट्रैफिक ईजिली गेन कर सके। तो मतलब 10khit इज़ नथिंग, बस अपना अपने यूज़र को अगर अपना वेबसाइट का ज़्यादा ट्रैफिक गेन करना है तो वहाँ जाएगा, अपने आप को रजिस्टर करेगा, पहले लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद जैसे वो रजिस्टर होता है अपनी वेबसाइट को वहाँ पे, जो मेरी वेबसाइट जो फॉर एग्जांपल मेरी लिंक है xyz, तो उस लिंक की URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को वहाँ पे कॉपी करेगा और कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करेगा। जैसे हम वहाँ पे पेस्ट करने लगेगा तो उसकी लिंक रजिस्टर्ड हो जाएगी और उसका इजीली ट्रैफिक न गेन होने लगेगा। मतलब ऐसा नहीं कि ऑन द स्पॉट ट्रैफिक बढ़ेगा, पर सेकेंड पर मिनट या पर आवर की उसकी कुछ प्रोसीजरिंग है, उस हिसाब से वो ट्रैफिक प्रोवाइड करेगा आपकी वेबसाइट पर। ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उसकी क्या प्रोसीडिंग है, ये प्रोसीडिंग की मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी। मेरा सिंपल मोटिव था इस वीडियो में आपको एक वेबसाइट से इंट्रोड्यूस कराना या फिर एक प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कराना जिससे आप अननोन है, जिससे आपको नहीं पता है कि एक्चुअल में इस तरीके के प्लेटफॉर्म मार्केट में रन कर रहे हैं, तो वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली थी। तो आइए मैं आपको एक और बार 10khit के बारे में थोड़ा और इंट्रोडक्टरी पार्ट बता देती हूँ। 10khit.com सिंपली मार्केट में आया, उसने यूज़र को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा ताकि आप आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक गेन कर सकें और ईजिली गेन कर सकें। ऐसा और भी प्लेटफॉर्म है बट 10khit.com को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि वहाँ पे आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ रहा है, इको फ्रेंडली है, साथ में इकोनॉमिकली फ्रेंडली है ना, आपको विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट या फिर विदाउट एनी किसी भी तरीके का फाइनेंस ना लगाने के अलावा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी 10khit.com के बारे में आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।